तो अब अपन देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो है टेबल वाइज में इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछते हैं, उसके थोड़ा प्रिंसिपल्स वगैरह और थोड़ा उसके बारे में पूछ लेते हैं कि क्यों यूज़ करे जाते हैं ऐसे। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते तो अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले सहलीज हीमोग्लोबिनेटर, ठीक है। एक तो ग्लास रॉड होती है, ये हीमोग्लोबिन पिपेट होता है ना। फिर सहलीज ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है, ये सहलीज ट्यूब हो गई यहाँ पर। और ये कंपेरेटर बॉक्स होता है जिसमें अपन टेस्ट डाल के इसमें इस ट्यूब में अपन वो सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसको कंपेरिजन करने के लिए अपन इससे कंपेरिजन करते हैं, तो कंपेरेटर बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं सहलीज के, ठीक है। तो अपन इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले अपन हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन करके क्या होगा, एक तो अपन पता कर जाएंगे पॉलीसाइथीमिया का स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। फिर अपन कोई स्पेसिफिक थेरेपी दे रहे हैं अनीमिया के लिए, तो अनीमिया ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके लिए अपन यूज़ कर लेंगे। एस्टिमेशन ऑफ रेड सेल इंडेसिस, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ब्लड डोनर्स, इन सब के लिए अपन सहलीज हीमोग्लोबिनेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अपन प्रिंसिपल नहीं पढ़ रहे हैं, देख लेना पॉज करके, पर पूछता नहीं है, बस आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा हुआ है तो वो देख लेना। फिर उसके बाद अपन कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, एनवाइटेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट जो है, यहाँ देखो रेड कलर का एंडिंग होगी तो आरबीसी पिपेट, व्हाइट कलर की होगी तो डब्ल्यूबीसी पिपेट, ठीक है। आरबीसी पिपेट में रेड बीड होता है, डब्ल्यूबीसी पिपेट में व्हाइट बीड होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो आरबीसी पिपेट के देख लो पार्ट्स, सबसे पहले यहाँ माउथ पीस है, ठीक है। यहाँ पर रबर ट्यूब लगी हुई है और इसकी मार्किंग्स ध्यान से देखना, इसमें आरबीसी रेड बीड है, ठीक है। और यहाँ से मार्किंग 0.5, 1 और 101, ठीक है, 101। तो ये जो है मार्किंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये देख लेना, तो ये याद करना जरूरी है, ठीक है। फिर आरबीसी पिपेट का यूज़, तो जब भी अपन को हायर डाइल्यूशन करना हो है ना, तब अपन इसको यूज़ करते हैं, जैसे हाई टोटल लिगोसाइट काउंट में या फिर टोटल स्पर्म काउंट में, ठीक है। तो अपन इसको, तो आरबीसी पिपेट को तब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो इसका रेड बीट है वो इसको मिक्स करने के लिए काम में आता है कि प्रॉपर मिक्स हो जाए, है ना, मोबिलिटी बनी रहे, ये सब, तो इसके लिए ये बीट होता है, ठीक है। फिर अपन आते हैं इसमें डाइल्यूटिंग फ्लूड कौन सा यूज़ होता है, एक तो हेम्स फ्लूड और डेसी फ्लूड, ठीक है। तो इसके कभी कभी कंपोजिशन पूछ लेते हैं, ये देख लेना, ठीक है। फिर अपन आते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेट में। डब्ल्यूबीसी पिपेट में मार्किंग सबसे पहले देखो, एक तो माउथ पीस है, रबर ट्यूब है, वाइट कलर का एंड है, तो डब्ल्यूबीसी पिपेट हो गई और वाइट बीट रहेगा। मार्किंग से 0.5, 1 और 11, ठीक है। तो उससे अलग है ना आरबीसी पिपेट से, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी पिपेट का फंक्शन क्या है। एक तो डब्ल्यूबीसी को मेजर्स करने के लिए, ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी का अगर अपन को टीएलसी डीएलसी करने, तो अपन इससे करते हैं टीएलसी के करनी हो अगर, ठीक है। फिर इट कैन बी यूज फॉर यूसिनोफिल काउंट, ठीक है, यूसिनोफिल काउंट, प्लेटलेट काउंट, स्पर्म काउंट, इन सब को भी करना हो तो अपन डब्ल्यूबीसी पिपेट से यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, टक्स फ्लूड होता है, ठीक है। इसमें हेन्स फ्लूड था, इसमें टक्स फ्लूड होगा, ठीक है। इसका अगर पूछ ले कंटेंट तो कर लेना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यूरिनोमीटर। अब यूरिन में दो दो स्पेसिमेन है, दो इंस्ट्रूमेंट है, एक तो यूरिनोमीटर है, ठीक है, एक एल्ब्यूनोमीटर है, ठीक है। यूरिनोमीटर स्टार्ट करते हैं, तो यूरिनोमीटर सबसे पहले यूज़ क्यों करते हैं अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी नापनी हो यूरिन की तब अपन करते हैं। तो इसमें तीन पार्ट हैं, वेट, फ्लोट और स्टेम, ठीक है। तो अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो फ्लोट इज़ द एयर कंटेनिंग पार्ट होता है, वेट जो है लोअर एंड ऑफ यूरिनोमीटर होता है, और जो स्टेम है इस कैलिब्रेशन विद द नंबर, इसमें नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, वैल्यू प्रेजेंट होती है। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, 1.003 to 1.030, ठीक है। तो ये होती है यूरिनोमीटर का क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, और क्या काम होता है, और नॉर्मल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आते हैं एस्बेस्ट एल्ब्यूनोमीटर। तो ये एल्ब्यूनोमीटर है, इसमें अपन एल्ब्यूमिन का एस्टिमेशन करते हैं यूरिन के अंदर। ये यू से यू वाला जो है यूरिन यहाँ पर है, यूरिन का लेवल है, यहाँ पर आर से रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पर मार्किंग है 0 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो ये अपन एल्ब्यूमीटर को काउंट करने के लिए, एल्ब्यूमीटर निकाल एल्ब्यूमिन को काउंट करने के लिए अपन ये एल्ब्यूमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अब आता है दो टाइप की ट्यूब है, एक विंट्रोफ्स ट्यूब है और एक वेस्टर्न गेट पिपेट आता है। तो जो विंट्रोफ्स ट्यूब है इसमें एक साइड देखो रेड है और एक साइड वाइट है इस तरफ, और दोनों तरफ मार्किंग रहती है 0 से 10 तक, और यहाँ पे भी 0 से 10 तक ना, दोनों तरफ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, व्हाइट में भी मार्किंग रहेगी 0 से 10 तक, और ऊपर से नीचे 0 से 10 तक रेड में भी मार्किंग रहेगी, ठीक है। ये विंट्रोफ्स ट्यूब सेम ही है ना, इस तरफ रेड है और इस तरफ व्हाइट, ठीक है। फिर ये ट्यूब है, इसका जो वो है डायमीटर है वो 3 mm है, लेंथ 110 mm है, ठीक है। फिर इसमें भाई ये दोनों साइड्स में 0 से लेकर 10 जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों में ही ग्रेडिंग रहती है, ठीक है। और ये जो इसका अप्रॉक्सीमेट कितना होल्ड कर सकती है, 1 ml ब्लड होल्ड कर सकती है, ठीक है। यूजेस किस में, एक तो PCV निकालते हैं, ESR, ठीक है, बफी कोड प्रिपरेशन वगैरह, देखा होगा मलेरिया वगैरह टेस्ट में अपन बफी कोड प्रिपरेशन करते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर कैसे कैसे करते हैं अपन उस ट्यूब में, ठीक है, उसमें अपन एंटीकोगुलेट ब्लड फिल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन अप टू 10 mR तक फिल करेंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओवरफ्लो, ठीक है। फिर उसको अपन मेनिस्कस ऑफ ब्लड टू अवॉइड द फॉर्मिंग, ठीक है, तो उसको ऊपर नहीं जाने देंगे, मेनिस्कस मेंटेन करेंगे, उसको ओवरफ्लो ना हो। फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे 3000 RPM में 30 मिनट तक, ठीक है। फिर अपन को क्या क्या देखेगा, सबसे पहले अपन को तीन ऐसे लेयर्स देखेंगे, ठीक है, 1, 2, 3।
सबसे पहले अपर जो होगा उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, मिडिल नैरो लेयर होगी बफी कोट की होगी जिसमें WBC प्लेटलेट्स प्रेजेंट होगी, जो लोअर मोस्ट लेयर है पैक्ड RBC रहती है ना, RBC प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये तीन लेयर्स होगी, सबसे ऊपर प्लाज्मा लेयर, ठीक है, ऊपर प्रेजेंट ये बफी कोट पतली सी प्रेजेंट है, यहाँ पर WBC प्लेटलेट, और नीचे ये पैक्ड RBC, ठीक है। जैसे अपन हेमाटोक्रेट, PCV ये सब निकालते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल PCV वैल्यू रहती है एडल्ट मेल में 40 से 50%, फीमेल में 40 से 45% याद कर लेना, और न्यू बॉर्न में थोड़ा ज़्यादा होती है तो 40 से 60%, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यू PCV की। अपन RBC इंडेसेस पढ़ेंगे तो अपन उसमें भी सारी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब आता है ESR के लिए, है ना। तो ESR में अपना विंट्रोस मेथड तो होता ही है, उसके बाद वेस्टर्न गेंट मेथड भी होता है। बस अब देखो अंतर क्या होता है, जो विंट्रोस ट्यूब है और ये वेस्टर्न गेंट पेपेट, तो इसको पेपेट इसलिए बोलते हैं कि जो उसके दोनों एंड्स है ना वो दोनों ओपन रहते हैं, जबकि जो ट्यूब होती है उसका एक एंड क्लोज रहता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न गेंट पेपेट और ये है विंट्रोस ट्यूब, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में देख लेना, ये बड़ी होती है वेस्टर्न गेंट पेपेट, अलग दीजिए, ये भी आखिरी में ट्रे देखेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ठीक है। फिर अगर अपन को लंबर पंक्चर करना हो CSF की फाइंडिंग के लिए, तो एक तो ये स्टीलेट रखा हुआ है, ठीक है, लंबर पंक्चर निडल, ठीक है। तो अपन लंबर पंक्चर करते हैं और ये अपन स्पाइनल कोड में L3-L4 के बीच में अपन निडल इंसर्ट करते हैं और CSF के एग्जामिनेशन करने के लिए अपन CSF को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, अपन निडल डाल देंगे यहाँ से, वेरिक्रोनॉइड स्पेस से अपन CSF खींच लेंगे, ठीक है। तो CSF का पर्पस क्या है एनालिसिस करने का, या तो मेनिनजाइटिस के केस में करते हैं, सर्वेक्नॉइड हेमरेज हो गया है, मैलिग्नेंसी हो गई है, स्यूडो ट्यूमर हो गया है, ठीक है, मैनिंग जो एंसेफेलाइटिस हो गया है, ठीक है, और भी कुछ बहुत सारे जो CSF से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है उनसे अपन CSF की फाइंडिंग करते हैं कि क्या क्या इसका कॉज है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में, कि अगर वो हो रखा है, क्या बोलते हैं, अपना हर्निएशन हो रखा है, तो अपन पहले CT स्कैन करेंगे, उससे देखेंगे अगर हर्निएशन है तो अपन उस केस में अपन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर और प्लेटलेट्स काउंट 40,000 से कम है तब भी अपन नहीं करेंगे जो अपन ये लंबर पंक्चर, ठीक है। फिर आता नेक्स्ट बोन मैरो एस्पायरेशन। तो दो चीज़ें होती है, बोन मैरो एस्पायरेशन और बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है। तो एस्पायरेशन में क्या करते हैं, अपन बोन मैरो की जो कैविटी है उसको पंक्चर करके अपन बोन मैरो कैविटी से जो है अपन फ्लूड निकाल लेते हैं, ठीक है, बोन मैरो जो फ्लूड है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या इंडिकेशन है, कब कब अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो अपन को साइटोलॉजिकल टाइप्स पता करने के लिए, है ना, हेमोपोएटिक सेल्स के प्रोपोर्शन पता करने के लिए, कि कोई पर्टिकुलर कैंसर होता है तो इसके नंबर बढ़ जाते हैं तो उसका पता करने के लिए, एमी रेशियो देखा था कि जितने भी अपन ट्यूमर्स पढ़ रहे थे, जितने भी अपन WBC के कैंसर पढ़ रहे थे, उसमें एमी रेशियो रिवर्स हो जा रहा था, तो एमी रेशियो फाइंड करने के लिए उससे बहुत ज़्यादा अच्छी फाइंडिंग होती है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, आयरन स्टोर भी अपन पता कर सकते हैं बोन मैरो से, ठीक है। फिर मॉर्फोलॉजी और नंबर ऑफ मेगाकैरियोसाइट, ठीक है, अपन ने देखा था कि एरिथ्रोपोइसिस वगैरह जो हो रही थी वो कैसी हो रही है, हाइपरप्लेजिया किसका दिख रहा है, ये सब अपन फाइंडिंग करेंगे, ठीक है। अनीमिया पता करने के लिए किसका अनीमिया हो रहा है, RBC का, कि RBC की सेल्स कैसे, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो सब फाइंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये अपन बोन मैरो एस्पिरेशन में ये यूजेस हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी नेडल यूज़ करें, सबसे पहले सालर नेडल, ठीक है। सालर नेडल में जो स्क्रू रहता है ना वो साइड में रहता है, इसके लिए उसको बोलते हैं अपन सालर नेडल। क्लीमा जो है, क्लीमा नेडल, उसके पीछे स्क्रू रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन क्लीमा नेडल। जबकि जो जमशेदी नेडल है ना, वो जमशेदी नेडल बताता हूँ, जमशेदी नेडल है ये टी शेप की रहेगी, जमशेदी में टी रहेगा, ठीक है। जब भी टी दिख जाए तो जमशेदी नेडल हो जाएगी, ठीक है। फिर अपन कब करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन, RBC का कोई डिसऑर्डर हो जाए, WBC का डिसऑर्डर हो जाए, प्लेटलेट डिसऑर्डर, इन सब डिसऑर्डर्स में ये इंडिकेशन है, इसमें देख लेना, इसलिए यूज़ करते हैं अपन। फिर प्रेफर्ड साइट क्या होती है बोन मैरो एस्पिरेशन की, ठीक है। एक तो सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है, मोस्ट प्रेफर्ड साइट है सुपीरियर इलियक स्पाइन, स्टर्नम में भी करते हैं, और अपर थर्ड ऑफ टीबिया इन इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स में ही करेंगे। तो साइट याद कर लेना कब करते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है बोन मैरो एस्पिरेशन का, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हीमोफीलिया, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इस वजह से अपन इनमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है, ये था अपन ने एस्पायरेशन किया था, बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी में अपन जमशेदी, ट्रिफाइन ये नीडल यूज़ करते हैं, ये दोनों में यूज़ हो सकती है, एस्पायरेशन और बायोप्सी में दोनों में ही, ठीक है। ये नीडल होती है 2 mm बोर साइज होता है इसका, और एंडिंग में ये टेपरिंग होगी इसके ना, एंड में छोटी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका एडवांटेज क्या है कि ये इट गिव्स सेल्स एंड स्टोमा कॉन्स्टिट्यूएंट, ये पूरा ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट बता देता है, ठीक है। फिर इन केसेस ऑफ ड्राई ट्रैप में अपन यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ सेल्स, सारे सेल्स अपन इससे एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका अपन मेथड नहीं पढ़ते हैं, बस अपन देखते साइड्स क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है। ये दोनों साइड्स हैं अपन इसमें यूज़ करते हैं बोन मैरो की बायोप्सी करने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना बोन मैरो एस्पायरेशन और बोन मैरो बायोप्सी। अब आते हैं नेक्स्ट एंटीकोगुलेंट कौन कौन सी यूज़ करते हैं। सबसे पहले रेड कलर का अगर कैप लगा है तो कोई भी कोगुलेंट नहीं है इसमें, व्हाइट कलर का है तो सोडियम फ्लोराइड होगा, तो अपन ग्लूकोज एस्टिमेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर पर्पल कलर का तो EDTA K3 जो होता है इसमें, तो हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ESR, है ना, कंप्लीट हीमोग्राम जो करते हैं अपन, ये पर्पल कलर का कैप होगा इसमें,
ठीक है। और अगर ये स्काई ब्लू कलर का कैप है तो 3.2% सोडियम सिट्रेट होगा, कोगुलेशन स्टडी पीटी एपीटीटी, देखा होगा ना एपीटीटी अपन लेवल फाइंडिंग करते हैं किसी किसी केस में, ठीक है, जैसे हेपेरिन जब देते हैं तब करते हैं एपीटीटी। फिर ग्रीन कलर में हेपेरिन होगा बोन मैरो स्टडीज़ के लिए, ठीक है। येलो कलर में अपना सिट्रेट होगा ब्लड कल्चर के लिए, और पिंक कलर में K2ADTA होता है, ब्लड बैंक ब्लड टाइपिंग एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में अपन ये पिंक कलर का यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। थोड़ी सी टेबल एक एक बार दो दो बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं अपन, ये बैग्स वगैरह रखे नहीं है तो बैग्स अपन डिस्कस नहीं करते हैं, ब्लड बैग और यूरिन बैग, ठीक है, एक बार रीडिंग कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। फिर ये एल माउंट्स हो गया, ठीक है, अपन इसमें स्पेसमैन स्टोर करने के लिए बैग्स इसमें डालते हैं, और किसके मदद से, कैसेट्स की मदद से। तो ये कैसेट्स होती हैं प्लास्टिक कैसेट, इसमें भाई इससे अपन ऊपर से बैग्स डालेंगे और इससे एम्बेडेड हो जाएगा, इसमें टिशू जो है प्रिजर्व करने के लिए अपन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये, देखो ऐसे दिखता है एल माउंट्स के बाद अपन इसमें ये डाल देते हैं वैक्स, तो इसमें अपन को ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब अपना लास्ट पार्ट है कि स्पेसिमेन अपन को रखे रहेंगे तो अपन को पहचानने क्या, बोलेगा ये क्या है ये क्या है, ऐसे पहचानने। तो सबसे पहले ये देखो ट्यूब, ये विंट्रोप्स ट्यूब है, ये वेस्टर्न गिन पिपेट है, ठीक है। ये एल माउंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये जो स्टील्स की हैं ये कैसेट्स हैं, ठीक है। ये टी बना हुआ है तो ये अपना जमशेदी नीडल्स हैं, ठीक है। फिर ये जिसमें अभी वाइट एंड होगा तो वो अपने WBC पेपेट होगी, जो रेड एंड होगा अपनी RBC पेपेट होगी। ये अपना सहलीज मेथड, सहलीज जो है हेमोग्लोबिनेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैसेट्स हो गए सब, ये स्पेसमैन हो गए। उसके बाद ये भी इसमें वेस्टर्न ग्रीन पेपेट रखा हुआ है, ठीक है। ये जितनी भी हैं ये सालार नीडल्स रखी हुई है ना, साइड में इनके स्क्रू होगा, ठीक है। फिर ये जितनी भी, ये जिसमें आगे से थोड़ा ये निप टाइप का निकला हुआ है, ये एंटी, ये क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुपिंग में यूज़ करते हैं अलग अलग, ये ब्लू ये येलो और ये वाइट, अलग अलग एंटी सीरा अपन इसमें रखा हुआ था, ठीक है। फिर ये एंटी कोगुलेंट के लिए अपन ये यूज़ करते हैं, सिट्रेट के लिए अब ये अलग कलर है, ये ब्लू कलर का अलग है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का अलग रखा हुआ है, तो ये अलग अलग कलर के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये स्पेसमैन रखें, ये तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए अपन जो भी अपन ने ऊपर थ्योरी पढ़ी उससे कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कर लेना, ये न्यूबर्स चैम्बर है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े अपन के स्पेसमैन पता है तो आइडेंटिफाई कर लेना, उसके फंक्शन वगैरह बता देना, तो ये टेबल वाइव में काम आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।